नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत में ही लोगों के मन में नए साल के भविष्य को जानने के लिए बहुत से सवाल रहते हैं। उनके मन में भविष्य को जानने के लिए उत्सुकता रहती है, मन में सवालों का समुद्र हिलोरे लेने लगता है, सवालों की एक पोटली सी मन में बंध जाती है। जैसे अभी आपके मन में वर्ष 2022 के भविष्य को जानने के लिए बंधी हुई है। हाजिर हूँ मैं आपके सामने वर्ष 2022 का भविष्यफल लेकर। वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपके व्यापार की स्थिति, आपके नौकरी की स्थिति, आपके धन संपत्ति की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही आपके लव लाइफ की क्या स्थिति वर्ष 2022 में रहने वाली है, आपका वैवाहिक जीवन वर्ष 2022 में कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति इस वर्ष रहने वाली है, आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, आपके पास धन संपत्ति आर्थिक उन्नति आएगी या नहीं आएगी, इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। देखते रहेगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। राशिफल 2022 की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो वर्षफल है ये जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर आप ये जान सकते हैं और अपना वर्षफल इंडिविजुअली आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। वर्षफल 2022 में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे तुला राशि वाले लोगों के लिए। वर्ष 2022 में आर्थिक पक्ष की दृष्टि से ये जो वर्ष है 2022 कैसा रहने वाला है, इनके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाला है। तुला राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो धन से जुड़े मामलों में आपको इस वर्ष अनुकूल फलों की प्राप्ति होने वाली है। खास तौर से जनवरी माह में जब मंगल ग्रह आपकी राशि के धन भाव यानी कि सेकंड हाउस में विराजमान होंगे, तो ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान मंगल देव की असीम कृपा आपको धन लाभ होने के योग बनाएगी और इसके बाद फरवरी माह में भी आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति करने में इस टाइम पर सक्षम रहेंगे। हालांकि इस पूरे साल आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह हम देना चाहेंगे, अन्यथा आपकी आमदनी से अधिक खर्च का भार आपको आर्थिक तंगी को बढ़ाने में सफल रहेगा। ऐसे में धन संचय और उससे खर्चों को लेकर नई योजनाएं आप बनाएं। यदि आप किसी जगह धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों की विशेष सलाह लें। गौरतलब है कि मार्च महीने में ग्रहों की चाल दशा बदल रही है, आपकी राशि में अनुकूल योग का निर्माण भी होगा जो आपको हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ था तो आप उसे भी प्राप्त करने में सफल इस टाइम पर रहेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल से छाया ग्रह राहु का स्थान परिवर्तन आपकी राशि के धन भाव का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला रहेगा। ऐसे में धन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला जल्दबाजी में आप न लें, अन्यथा नुकसान आपको संभव है। इस वर्ष के आखिरी दो महीने यानी कि मध्य अक्टूबर से नवंबर के दौरान आपकी राशि के दूसरे भाव का स्वामी अपना गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको हर प्रकार से अपनी आर्थिक समस्या से निजात दिलाते हुए धन लाभ के योग बनेंगे। फिर चाहे आप नौकरी से जुड़े हो या व्यापार, दोनों ही माध्यमों में आप धन प्राप्त करने में इस टाइम पर सफल रहेंगे। यही हम बात करेंगे तुला राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा। अगर स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो तुला राशि 2022 के अनुसार आपको इस वर्ष सेहत से जुड़े सामान्य ही फल प्राप्त होंगे। हालांकि साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर रहने वाली है। इस दौरान आपको कुछ मानसिक परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा फरवरी से लेकर मई माह तक आप कुछ बाहरी परेशानियों से ग्रसित रहेंगे। ऐसे में आपको किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंता करने से बचने की सलाह हम यहाँ पर देना चाहेंगे। मध्य अप्रैल से आपकी राशि के सप्तम भाव में राहु का गोचर होगा। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कुछ मानसिक परेशानियाँ राहु यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा सा असर आपके खान पान पर भी पड़ने वाला है। साथ ही ये अवधि आपके जीवन साथी जीवन और संतान को भी स्वास्थ्य कष्ट देने वाली है।
जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक परेशानी में वृद्धि संभव है, क्योंकि शनि आपके संतान के फिफ्थ हाउस में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आपकी राशि के वैवाहिक सप्तम भाव की दृष्टिगत करेंगे। हालांकि मई से लेकर अक्टूबर तक आपकी सेहत में कुछ सकारात्मक सुधार होने के योग बनेंगे, जिसके चलते आप किसी पुरानी समस्या से निजात पाने में सफल रहेंगे। यदि आपकी माँ को भी स्वास्थ्य कष्ट था तो अगस्त के माह उन्हें भी इस रोग से निजात मिल सकती है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी शुक्रदेव इस अवधि के दौरान आपकी राशि के चौथे घर में गोचर करेंगे और साल का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर माह में आपको पेट संबंधी रोग और ज़्यादा परेशान करेंगे। ऐसे में तला भुना खाना, अधिक मसालेदार भोजन करने से आपको परहेज करने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। यहीं पर हम बात करेंगे तुला राशि 2022 के अनुसार, वर्षफल 2022 के अनुसार करियर की दृष्टि से यह 2022 कैसा रहने वाला है। तुला राशि के अगर करियर को समझे तो वर्ष 2022 इस राशि के जातकों के लिए करियर से जुड़े मामलों में उत्तम फल देने वाला रहेगा। साल के पहले माह में मंगल का धनु राशि में प्रवेश होगा। आपको करियर में सफलता देने वाला खासतौर से वो जातक जो व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान सबसे अधिक लाभ मिलने के योग हमें दिख रहे हैं। यदि आप नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए जनवरी से लेकर मई तक का समय सबसे अधिक रहेगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान प्रमोशन मिलने के योग हमें दिख रहे हैं, जिससे उनकी वेतन वृद्धि भी इस टाइम पर संभव है। इसके अलावा साल भर शनि का आपकी राशि में पंचम व चतुर्थ भाव में होना वाला गोचर आपसे अतिरिक्त मेहनत करवाने वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके उत्तम फलों की प्राप्ति आपको ऐसे दौरान आलस्य को दूर कर निरंतर मेहनत करते हुए ही प्राप्त होने वाली है। साझेदारी के व्यापार से जुड़े जातकों को भी साझेदारी से अपने संबंध बेहतर करते हुए झूठ बोलने से बचने की सलाह हम यहाँ पर देना चाहेंगे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन तीन महीनों में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको राशि स्वामी शुक्रदेव इस समय अवधि के दौरान क्रमशः प्रथम, दूसरे और तीसरे भावों में स्थान परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र के भाव पर आपके छठे भाव के स्वामी की दृष्टि भी होगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका अपने अधिकारी और बॉस के साथ किसी बात को लेकर विवाद भी संभव हो सकता है। हालांकि ये सभी विवाद दिसंबर के माह में खत्म हो जाएंगे। आप उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है तो आपके लिए मई से लेकर नवंबर का समय उत्तम रहेगा। कुछ जातकों को इस दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़ी किसी विदेश यात्रा को जाने भी पड़ सकता है। यही हम बात करेंगे वर्ष 2022 तुला राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। तुला राशि फल 2022 के अनुसार शिक्षा में आपको इस वर्ष अपार सफलता मिलेगी। हालांकि शुरुआती समय में ग्रहों की चाल दर्शा रही कि इस समय आपको अतिरिक्त मेहनत करते हुए खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 26 फरवरी को जब मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो आपका चतुर्थ भाव प्रभावित रहेगा। इस दौरान छात्रों को शिक्षा में अपनी मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अप्रैल के मध्य से शनि का आपकी राशि के पंचम और छठे भाव में गोचर करना आपसे अतिरिक्त मेहनत कराने वाला रहेगा। इस दौरान आपके अंदर आलस की वृद्धि होगी और आपका मन जो है वो भ्रमित रहेगा, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसे में एकाग्रचित होकर अपना ध्यान पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा और की ओर ही लगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो यह साल आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाला है। वही अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो सितंबर माह से लेकर नवंबर माह की समय अवधि आपके लिए अच्छी नौकरी के योग भी बनाने वाली है। यहीं पर हम बात करेंगे तुला राशिफल 2022 के अनुसार पारिवारिक जीवन की दृष्टि से वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशिफल 2022 के अनुसार पारिवारिक जीवन को अगर समझे तो इस वर्ष तुला राशि के जातकों को सामान्य ही फल प्राप्त होने वाला है। खासतौर से जनवरी से लेकर मार्च के मध्य समय तक आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके परिवार व कुटुंब का चौथा घर का स्वामी कई पाप ग्रहों द्वारा प्रभावित होगा। इस दौरान आपका घर के सदस्यों के साथ किसी कारणवश विवाद भी संभव है, क्योंकि अप्रैल माह में राहु का गोचर मेष राशि में तथा शनि का कुंभ राशि में होने से आपके पारिवारिक जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय अपने शब्दों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, उनके साथ मर्यादित आचरण करें। और इस दौरान सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कारणवश पारिवारिक मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी जाने से भी बचे। जून से लेकर सितंबर माह तक कुछ जातकों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है और इस दौरान आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। खासतौर से पिता आपका बढ़ चढ़कर सहयोग करते हुए आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आपको अपने
या उनके प्रति सम्मान की भावना रहेगी। साल के अंतिम 3 महीनों में आपको जो है भाई बहनों के लिए भी अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। इस दौरान उन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही आपके भी परिवार के बीच छवि बेहतर रहेगी और इससे आपको घर में उचित मान सम्मान की प्राप्ति भी होती हमें दिख रही है। यहीं पर हम बात करेंगे वर्ष 2022 आपके लिए वैवाहिक जीवन की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। तुला राशि फल 2022 के अनुसार वैवाहिक जीवन की अगर बात करी जाए तो आपको इस टाइम पर मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण रहेगी क्योंकि इस दौरान आपको अपने परिवार और जीवन साथी को एक करने में खासा संघर्ष देखने को मिलेगा। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही आपको ससुराल पक्ष से भी कोई उपहार मिलने की योजना हम देख रहे हैं। हालांकि जून और जुलाई का समय जो है वो आपको थोड़ा सावधान रहने की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि इस अवधि के दौरान सप्तम भाव में हो रहे राहु के गोचर का आप पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है, जिससे इस दौरान आपको किसी कारणवश अपने जीवन साथी के साथ नोकझोंक होने की आशंका अधिक है। वहीं इसके बाद देखा जाए तो सितंबर से आपके हर विवाद में गलतफहमी को दूर करने में, अपने प्रेम को आगे बढ़ना में मदद मिलेगी। इस दौरान आप अपने बीच जो भी तालमेल बिगड़ रहे थे आपसे रिश्ते में मजबूती देंगे, जिससे आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। 9 मई से लेकर दिसंबर तक आप अपने जीवन साथी का साथ किसी धार्मिक यात्रा या कहीं पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान भी इस टाइम पर बना सकते हैं। इस दौरान आपको एक दूसरे के करीब आने के कई अवसर मिलेंगे। नव विवाहित जातक भी इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार की योजना इस टाइम पर बना सकते हैं। यहीं पर हम बात करेंगे वर्ष 2022 प्रेम जीवन की दृष्टि से तुला राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुला राशि वाले जातकों को इस साल अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। हालांकि साल की शुरुआत में प्रेम में पड़े जातकों के लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण रहेगी ये व्यवस्था क्योंकि इस दौरान आपका क्रोध और आक्रामक स्वभाव आपके प्रेमी को परेशान कर सकता है। फरवरी माह के मध्य में मंगल का स्थान परिवर्तन आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा क्योंकि इस दौरान आप दोनों के बीच आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकेंगे। अप्रैल में राहु का मेष राशि में होने वाला गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। इस दौरान आप प्रेमी के साथ प्रेम विवाह के बंधन में फैसला ले सकते हैं क्योंकि ये वो समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखने में भी सक्षम रहेंगे। कुछ जातकों के लिए अक्टूबर से नवंबर तक की समयावधि आपके लिए इस दौरान विवाह के अनुकूल योग बनाएगी। वही साल का अंतिम महीना भी आपके प्यार में बढ़ोतरी लेकर आएगा क्योंकि इस दौरान आप प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां पर आप खुलकर आप एक दूसरे को अपनी बात समझाने में सक्षम रहेंगे। अगर देखा जाए कि वर्ष 2022 का ओवरऑल राशिफल तुला राशि वाला आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आएगा और क्या आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला है, मतलब कि ओवरऑल अगर इसका सार मैं बताऊँ इस पूर्ण राशिफल का, तो भविष्य फल 2022 को समझे तो ये वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत के दौरान ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, खासतौर से सेहत से जुड़े मामलों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि शुरुआती समय में मानसिक तनाव से जुड़ी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यदि आप खुद को किसी भी बात पर अत्यधिक सोचने से बचाएंगे तो आपको जल्द ही जल्द अच्छे तनाव से मुक्ति भी मिल जाएगी। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो धन से जुड़े मामलों में विशेष रूप से आपके लिए साल शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इस दौरान मंगल अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, विराजमान रहेंगे, आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे जिससे आपको धन लाभ हो सकेगा। हालांकि साल भर आपको धन संचय करने को लेकर कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। वही करियर में अगर तुला राशि वालों को देखा जाए तो व्यापार में सफलता मिलेगी, हालांकि इस दौरान उन्हें अपना धन कहीं भी निवेश करने से पहले बड़ों व विशेषज्ञों की सलाह अच्छी तरीके से सलाह मशवरा कर ले तो हिदायत ये हम देना चाहेंगे। अगर आप बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो वर्ष के शुरुआती भाग में उनके पदोन्नति की प्रबल योजना यहाँ पर बन रही है क्योंकि इस अवधि के दौरान शनिदेव आपकी छठे घर में गोचर करेंगे और पूर्ण रूप से आपके दृष्टि करेंगे, इसलिए आपको अपने संबंध कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकारी से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। वहीं अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के दृष्टि से समय थोड़े से परेशानियों के संकेत दे रहा है क्योंकि आपकी राशि के घरेलू सुख सुविधा के चौथे घर में दो सूर्य और शनि ग्रह, ये दोनों ग्रह रहेंगे। आशंका अधिक है कि आपका घर वालों के साथ बातों का मतभेद हो, जिससे आप न चाहते हुए भी उनसे अमर्यादित व्यवहार करते हुए अपनी छवि को खराब कर ले। वहीं यदि आप छात्र हैं तो तुला राशि की भविष्यवाणी के अनुसार देखा जाए तो आपको भविष्य में शिक्षा से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि आपको शुरुआती समय में अधिक मेहनत करते हुए अपने विषयों को ठीक से याद करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो जहां प्रेम से पड़े जातकों की अगर बात करी जाए तो लव लाइफ में
इस वर्ष अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि आपके गुस्सल स्वभाव के अलावा ये वर्ष आपको प्रियतम का सहयोग देने का कार्य करेगा। यदि आप शादीशुदा है तो इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। इस साल आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए सभी दायित्वों को दिल से निर्वाह करते हुए साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी आप प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने राशिफल आपको बताया तुला राशि वाला, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लिए वर्ष 2022 में पूरे वर्ष आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिसके आपको अच्छे बेनिफिट प्राप्त हो। यहाँ पर मैं आपको पांच उपाय बताऊंगा, इन पांच उपायों को अपने जीवन में उतारिएगा। छोटे उपाय है, कोई बड़े उपाय नहीं है, लेकिन आपका जीवन जो है अच्छा समृद्धशील हो जाएगा। सबसे पहले एक उपाय आपको ये करना है, आपको डेली विधिवत रूप से अपने इष्ट देवी देवता की पूजा और अर्चना करनी है। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आप नियम बना लीजिए कि आप जो है जीवन भर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर इस वर्ष ही करना चाहते हैं तो भी करिए, आपको बहुत ज़बरदस्त फर्क दिखेगा। अपने देवी देवताओं की विशेष रूप से आप इस साल जो है इष्ट देवताओं की अच्छे से आराधना करें। दूसरा उपाय यह है कि स्वास्थ्य जीवन में, यानी कि आपके स्वास्थ्य में अगर सकारात्मक परिणाम है, तो अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो नियमित रूप से पास ही के किसी मंदिर में रोज आप एक घी का दीपक लगाएं। जो भी आपके घर के पास मंदिर है, आपके घर के एकदम जो करीब है, उस मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक घी का दीपक आप नियमित रूप से सुबह या शाम को आप जलाइए। तीसरा उपाय, घर से निकलने से पहले माथे पर आप जो है, अगर शुभ आप अगर अपना समय लाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले माथे पर आप जो है अपने दही का टीका लगाए। दही का टीका कैसे लगाना है, थोड़ा सा दही आप किसी पात्र में ले लें और अनामिका उंगली से आप है उसे लेकर और अपने यहाँ पर मस्तक पर टच कर ले, यह दही का टीका हो गया। चौथा उपाय यह है कि नियमित रूप से घर में सुख समृद्धि पाने के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पांचवा और अंतिम उपाय बहुत ही सरल उपाय, गरीब और जरूरतमंदों के सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। सफ़ेद का दान करने से शुक्र प्रसन्न होंगे, आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो आप जो है जरकन की रिंग इस मिडिल फिंगर में धारण कर ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये पांच उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों को अपने जीवन में उतारिएगा और अपने जीवन को सुखी समृद्धशील बनाइएगा। ये तो था मेरा वर्ष 2022 तुला राशिफल कि तुला राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।